इमली फेम एक्टर फहमान खान का हुआ लेटेस्ट इंटरव्यू। जी हाँ, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया था कि एक छोटी सी क्लिप आई है फहमान की, जिसमें वो बॉलीवुड बबल के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो देख लीजिए, फुल इंटरव्यू आ गया है। फहमान खान ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आ रहे हैं। इस इंटरव्यू में फहमान ने अपनी जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं जब मुंबई आया था तो मेरे मन में यही था कि मैं मूवी करूंगा। तब मुझे कई शोज ऑफर हुए, पर नादानी में मैंने बहुत सारे ऑफर्स ठुकरा दिए कि नहीं, मैं बॉलीवुड में ही जाऊंगा। एज अ लीड अपना टाइम भी आएगा। मेरा फर्स्ट शो था और मेरे बर्थडे के दिन ही मैंने उसका प्रोमो शूट किया था। आगे एक्टर ने कहा कि इमली सीरियल में भी मेरा लीड रोल नहीं था। मेरे मैनेजर का कॉल आया मेरे पास कि एक शो है इमली जिसमें पैरेलल लीड के लिए बोल रहे हैं आपको, तो मैंने मना कर दिया कि अभी एक लीड किया है, फिर अब पैरेलल लीड तो मना कर दो। फिर मैनेजर ने कहा कि कम से कम मॉक शूट तो कर ही आओ। फिर मैंने मॉक शूट किया और मैंने हाँ कर दिया। तब सबने मेरी हेल्प की, जैसे गश्मीर ने, सुम्बुल ने, बहुत ही अच्छे को एक्टर्स हैं दोनों। वहीं आगे फहमान से जब सुम्बुल और उनके बॉन्ड के बारे में पूछा गया कि उस इंटरव्यू के बाद उनका रिलेशन और खराब हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरा उससे बॉन्ड अच्छा ही था और अभी भी अच्छा ही है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे और उसके बीच। पर उन्होंने कहा कि हाँ, वो तौकीर सर की वजह से हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं बस अपना पक्ष रखने आया था क्योंकि मैं बहुत टाइम से चुप था और सहन कर रहा था, इसके लिए मुझे गालियां पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि इन सब के लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा बस अब बहुत हुआ, अब मुझे सब सच बताना पड़ेगा। आगे फहमान ने कहा कि उस इंटरव्यू के बाद मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, फहमान गलत नहीं था, तो बस मैं यही चाहता था कि सच्चाई बाहर आए। वेल, ऐसी ही और भी कई सारी बातें की फहमान ने इस इंटरव्यू में। वैसे आप फहमान के इस सुम्बुल वाली बात पर क्या कहना चाहेंगे, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।